इस समय आप सभी लोग जब भी न्यूज़पेपर उठा के देखते होंगे या कोई टीवी चैनल्स उठा के देखते होंगे या फिर आप लोग अपनी सोशल साइट्स पर जाते होंगे तो आप लोगों को चारों तरफ एक ही युद्ध की चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। वो है रूस और यूक्रेन के बीच जो एक युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध, दोनों देशों का युद्ध, दुनिया भर में चिंता का कारण भी बना हुआ है। कई विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि ये तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दे रहा है। और आप देखिए, भारत की अपनी चिंताएं हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हम लोग तेल आयात करते हैं, कच्चा तेल आयात करते हैं, उसके रेट हाई हो रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद आपको मार्केट में भी, आप जब पेट्रोल डीजल भरवाएंगे ना, तब आप लोगों को मालूम चल जाएगा इसका रेट बढ़ते हुए दिखाई देगा। और जो हम लोग रक्षा के लिए हथियार खरीदते हैं, रूस से खरीदते हैं, उसमें उसे मिलने में देरी हो सकती है। और इस तरह की भारत की कई चिंताएं बनी हुई हैं। और आप सभी लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि भारत को आखिर किसका साथ देना चाहिए, रूस का या फिर यूक्रेन का? आप सभी जानते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है, ये महात्मा बौद्ध, महावीर जैन या फिर आप देखिए गांधी जी का देश है, और हम लोग हमेशा शांति की बात करते हैं। और एक तरफ आप देखिए कि रूस, जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आई हुई है, रूस ने हमारा साथ हमेशा दिया हुआ है। आप देखिए खाद्यान्न संकट की बात कर लीजिए, 1971 के युद्ध की बात कर लीजिए, पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा था, इसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ अमेरिका का झुकाव था, और दूसरी तरफ आप देखिए सोवियत संघ यानी कि रूस हमारी तरफ था, यानी कि एक वफादार दोस्त है रूस। फिर चाहे आप लोग जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, आप देखिए कि पाकिस्तान की तरफ यानी कि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिखाई दे रहा था, और रूस उस समय भी हमारा सपोर्ट कर रहा था। और इसलिए आप देखिए कि हम लोग, रूस हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग रूस से किनारा कर लेते हैं तो याद रखिएगा, चाइना और पाकिस्तान की तरफ रूस का झुकाव हो सकता है। तो इस स्थिति में हमें एक तरह से आप कहिए कि बहुत ही संभल के कदम उठाना होगा। और इसीलिए आप देखिए कि रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है, इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक मतदान करवाया है इसकी निंदा के लिए। तो आप देखिए, इसमें इंडिया ने, इस मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग? तो एक बार आप लोग भारत को मैप पर देख लीजिए, रूस को देख लीजिए और यूक्रेन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत ही एशिया में, आपके पड़ोसी श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ऊपर आप देखेंगे तो एशिया में आपको रूस देखने को मिलेगा, और रूस का कुछ हिस्सा आपका यूरोप में भी पड़ता है। इसकी राजधानी मॉस्को है, और यही आप देखेंगे यूक्रेन है, और इसकी राजधानी कीव है। एक बात और याद रखिए, रूस ने हमारा हमेशा साथ दिया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग आंख बंद करके रूस का साथ देने लगे। आप देखिए कि चाइना, आप सभी जानते हैं कि लद्दाख वाले हिस्से की बात कर लीजिए, उत्तराखंड के पास, या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश को लेकर देख लीजिए, आप देखिए इस तरह की उत्पाद एक तरह से आपके हरकतें करता रहता है। अगर चाइना हमारे ऊपर इस तरह के कदम उठाता है, हरकतें करता है, तो हमें भी दुनिया के शांति प्रिय देश होंगे, दुनिया भर के जो देश हैं उनकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, यूएन में हमें भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप देखिए कि हम लोग खुलकर रूस के सपोर्ट में भी खड़े नहीं हो सकते, ठीक है? तो हाल ही में आपको बताया है कि जो भारत ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किए गए मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, और इस प्रस्ताव में रूस को यूक्रेन से बिना शर्त अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आह्वान किया है। इस प्रस्ताव में ऐसा था कि जो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, इसका एक तरह से निंदा करनी थी, और इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था। तो याद रखिए, इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया, यानी कि भारत ने ना तो आप ही एक तरह से इसके पक्ष में वोट किया और ना ही इसके विपक्ष में वोट किया। और इसमें, इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि रूस को यूक्रेन से बिना कोई शर्त लगाए अपने सैनिक वापस लौटा लेना चाहिए, बुला लेना चाहिए। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि रूस इस कदर का कोई कदम भी नहीं उठा रहा है, वो और बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों रूस द्वारा वीटो के प्रयोग के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में यही प्रस्ताव विफल हो गया था, जिसके बाद महासभा का यह सत्र बुलाया गया था। वीटो पावर की बात हुई है, आपको बता दूं कि आप सभी लोगों, कुछ संगठनों के बारे में पढ़ते रहते हैं, और आपको बता दूं, आप लोग अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं,
या आप देखिए वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो संगठनों से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। और यहाँ आप देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, तो आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर हम लोग बात करें तो यूएन के जो 6 अंग है उनमें से एक ये भी है, और इसका हेडक्वार्टर भी आप देखेंगे न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। वही अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो आप देखेंगे कि ये भी आपका यूएन का ही अंग है। इसके उत्तरदायित्व की बात करें तो शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उत्तरदायित्व है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य रूस, जिसके पास वीटो पावर है, और इसमें 5 देशों के पास वीटो पावर है, और इन कोई भी प्रस्ताव अगर आता है और ये 5 देश इसके पक्ष में नहीं रहते हैं उस प्रस्ताव के, आप मान लीजिए कि 4 देश उस प्रस्ताव के पक्ष में है, एक देश कोई भी उस प्रस्ताव के विपक्ष में है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं माना जाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है किसी प्रस्ताव को पास करवा पाना। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहां आप लोग दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को, ये आपका रसिया हो गया, और पहले याद रखिए 1991 तक यूक्रेन आप देखते होंगे कि सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। 1991 में आप सभी जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, समझ रहे हैं आप लोग। 96 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य देशों में से 2/3 मतों की आवश्यकता होती है, और यही यूक्रेन पर रूस द्वारा 24 फरवरी 2022 को विशेष सैन्य अभियान की निंदा करता है प्रस्ताव। और इसमें कहा गया है कि बलपूर्वक हासिल किए गए किसी भी क्षेत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी, और रूस से यूक्रेन में तुरंत बिना किसी शर्त के सैन्य अभियान को रोकने की बात की गई है, उन्हें वापस लेने की बात की गई है। और मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र पर अगर रूस ने बलपूर्वक उस पर कब्जा कर लिया तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, इस प्रस्ताव में ये कहा गया है। लेकिन आप देखिए भारत की अपनी कुछ चिंताएं भी है, भारत का अपना रुख भी है। उस रुख पर अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को विशेष रूप से छात्रों के लिए सुरक्षित और निर्बाध मार्ग सुनिश्चित करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन में हमारे कुछ छात्र फंसे हुए हैं, हमारे कुछ भारतीय काम की तलाश में गए हुए थे, वो भी वहां रह रहे हैं, और आप देखिए उन्हें निकालना हमारी प्राथमिकता है। भारत ने तत्काल युद्ध विराम तथा संघर्ष वाले क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने का आह्वान किया हुआ है, यानी कि भारत ने कहा है कि इस युद्ध को तुरंत रोक दिया जाए, यानी कि और वहां जो मानवीय सहायता हो सकती है उसे भेजने की बात की हुई है। भारत को उम्मीद थी कि रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत के सकारात्मक नतीजे निकलेंगे, और आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। रूस की कार्रवाइयों ने भारत को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि यह रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है। चीन तथा पाकिस्तान के साथ अपने अनुभवों को देखते हुए भारत एक देश की दूसरे पड़ोसी देश के साथ साझा की जाने वाली सीमाओं को बदलने के एक तरफा प्रयास को लेकर सावधान कर रहा है। और आप देखिए हमारा भी दो तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं, एक तरफ चाइना की हरकतें किस तरह की है आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान की हरकतें किस तरह की है आप सभी जानते हैं, और यही हमारे लिए चिंता का कारण भी बना हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। भारत का आग्रह है कि सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रति प्रतिबद्धता और सभी राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। उदाहरण के लिए भारत के कई पड़ोसी देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें आप देखिए भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान जो कि वर्तमान में एक आतंकवादी संगठन तालिबान द्वारा शासित हो रहा है, और म्यांमार जो वर्तमान में जुंटा यानी कि सेना द्वारा शासित है ने भी इसके पक्ष में मतदान किया हुआ है। आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान में क्या हालत बनी हुई थी, वहां आप देखते हैं कि इस समय तालिबानों की सरकार गठित हो चुकी है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान की। और भारत की तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन ने मतदान से परहेज किया हुआ है, यानी कि जो हमारा रुख रहा है इस मतदान में वही बांग्लादेश का रहा है, पाकिस्तान का रहा है, श्रीलंका का रहा है और चाइना का रहा है। क्या संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं, ये भी सवाल उठता रहता है। तो आप देखेंगे कि संकल्प और निर्णय संयुक्त राष्ट्र के अंगों की राय
या फिर इच्छा की औपचारिक अभिव्यक्ति है। संकल्प की प्रकृति निर्धारित करती है कि क्या इसे राज्यों के लिए बाध्यकारी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद अगर 10 को और 14 में महासभा के प्रस्तावों को सिफारिशें कहा जाता है, यानी कि सिफारिश करते हैं आप लोग, बाध्यकारी नहीं है, समझ रहे हैं आपको। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ द्वारा महासभा के प्रस्तावों की सिफारिशें प्रकृति पर बार बार जोर दिया गया है कि प्रकृति पर बार बार जोर दिया गया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित महासभा के कुछ प्रस्ताव जैसे कि बजटीय निर्णय या निम्न श्रेणी के अंगों को निर्देश स्पष्ट रूप से बाध्यकारी है। और सामान्य तौर पर सुरक्षा परिषद द्वारा चार्टर के अध्याय अगर आप लोग अध्याय 7 को पढ़ेंगे तो इसके तहत कार्य करने वाले प्रस्तावों को चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी माना गया है। कुछ आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप देखिए कि सिफारिशों के तौर पर देखा जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी आप देखिए कि चार्टर में आप देखेंगे प्रस्ताव होंगे किसी चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार, देख लीजिए ये बाध्यकारी रहेगा। हालांकि UNSC के स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वीटो के अधीन होते हैं। और यही आप देखिए कि वीटो पावर सबसे खतरनाक मानी जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। रूस ने भी प्रयोग कर लिया है, आप देखते हैं कई बार चाइना भी प्रयोग करता रहता है, अमेरिका भी इसका प्रयोग करता रहता है। तो यही कहानी है, भारत की अपनी चिंताएं खुद सता रही हैं। वही हाल है कि आप देख लीजिए कि आपके दो मित्र हैं, दोनों ही खास हैं, और आप देखिए अगर उन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो आपके सामने भी संकट उभर के आ जाता है कि आखिर आप क्या करें। ना ये इसका पक्ष ले सकते हैं, ना ये उसका पक्ष ले सकते हैं। तो वही संकट आज के समय हमारे भारत के सामने भी दिखाई दे रहा है। आगे क्या होता है, भारत क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये युद्ध कब समाप्त होता है ये भी देखना होगा, ठीक है। आप लोग न्यूज पेपर फॉलो करते रहिए, उससे देश दुनिया की खबरें मालूम भी चलती रहेंगी, ठीक है।